तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमने नवरात्र में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए गए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा होगा तो जाइए एवं आनंद उठाइए। तो दोस्तों वापसी में पापा जी ने ढारा स्कूल में प्रशिक्षण देने के लिए रुक गए थे, जिससे हमारे प्लान में चेंज आया और हमने डैम देखने का प्लान बनाया। तो दोस्तों हम लोग के प्लान में चेंज हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं डैम, क्योंकि पापा का प्रशिक्षण अभी टाइम लगेगा, तब तक के लिए हम लोग डैम घूम लेते हैं ऐसे सोच रहे हैं। तो सब फैमिली अभी डैम जा रहे हैं और कार अभी लग गया है लाइन में, चलते हैं डैम, फिर दिखाते हैं डैम का दृश्य कैसा है डैम। तो दोस्तों ये है डैम और मम्मी लोग जा रहे हैं पीछे, और ये ऐसे मतलब डैम ही हैं, तो सब लोग आ रहे हैं और बढ़िया पानी भरा हुआ है, एक नंबर पानी भरा हुआ है। मम्मी लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, तो चलिए दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा दृश्य पास से। ये मस्त सामने पहाड़ का दृश्य है और उसके बीच में मस्त डैम, और दादू एंजॉयमेंट के लिए रेडी हो गया है, और इधर बिट्टू भाई आ रहे हैं पीछे पीछे। इधर भी देखिए पहाड़ मस्त, प्राकृतिक सुंदरता देखिए मस्त। दादू रेडी है नहाने के लिए है? क्यों यार, विदेश वाले लोग देख लेंगे फिर बेइज्जती करेंगे। तो विदेश वाले लोग तो ऐसे नहाते हैं। दादू यहाँ पास एंजॉय करना चालू हो गया नहा के, और बिट्टू भी रेडी हो रहा है नहाने के लिए। क्यों बिट्टू नहीं डूब कर सके, तैरने आता है दादू? मत तैर भाई, लेकिन हम लोग भी सरवा से ज्यादा नहाते रहे, अब एक आध दिन प्लानिंग से आएंगे। नहीं पनिया जो वाले जब वो बड़े पनिया जो बेकार से बहुत बड़े, तो वहाँ नहा बनते। यहाँ पे हाथ मुँह धो लिए हैं और दादू निकलने का नाम ही ले रहे हैं और लेट कर रहे हैं दादू। कैसे दादू? तो दादू को सिखाया जा रहा था लर्निंग कैसे कूदते हैं, है ना दादू, लेकिन वो सीख नहीं पाया। ले तो कूद, तो देखो कैसे कूदेगा। हाँ चल कूद, ऐसे ऐसे पहले पैर को ऊपर करना दादू, ऐसे आपने आप को पूरा से आगे फेंक। हाँ आगे फेंक दोनों पैर से, खूब जरा से। अरे तू थोड़ा ऊपर में आएगा तब वो बनेगा, प्रेशर बनेगा। फोर्स कर ऐसे टेढ़ा फेंक अपने आप, पकड़ के आई चल कूद एक बार। तो यहाँ पास दादू का कंपेयर लड़की लोग से हो रहे है ना दादू, हो रहा है। तो दादू नहीं सीख पाया। अंकल आंटी बस बैठे रहे, नजारा देख रहे हैं, नहा रहे हैं। तो एकदम रोमांटिक कपल टाइप, अंकल आंटी मस्त पानी है लेक के सामने एकदम बैठे हुए हैं, आग वाग जला देते हैं नाइट के लिए और टेंट लगा देते हैं, क्यों आंटी? फिर मस्त रोमांटिक कपल, एक मस्त प्यारा प्यारा ओल्ड वाला सॉन्ग, 90s का सॉन्ग, 80s का। तो जब भी मैं आता हूँ पानी के पास और नहाने का बात चलता है, तो एक वो चलता है कहानी, एक गोटी मारो रे सन नन्ना वाला। देखो नानी समझ गई, मतलब नानी हंस रही है। क्या हुआ था पता है? बताओ मम्मी क्या हुआ था। नहीं बताती मैं, वही शर्मिंदा करा गए क्या। हम लोग दौड़ते दौड़ते आए गर्मी के लिए, हम लोग गए थे मामा के घर, तब मत नहाने रहना, हम लोग कपड़ा पकड़ लेते गर्दन से नहाने जाएंगे, बोलते थे ना तुम लोग से गोटी मारी मेडा में दिए देसी ये रेवनू की रहा था गोटी में, समझ में खून अपना खून, बाप रे और निशान भी ये पास। हाँ
जब मैं छोटा था ना यार दादू, तो ना मम्मी मैं नहा रहा था ऐसी, और मम्मी बोली थी कि मत नहा रहे ना ऐसे करके, तो मैं नहाना चालू कर दिया था, तो ऐसे गोटी मारी थी तो यहाँ पास पड़ गया था। दोस्तों यहाँ से ले रहे हैं विदा हम लोग, दादू तो नहा लिया लेकिन हम लोग नहीं नहा पाए, और इधर ट्रैक्टर धोने भी आ गए सब लोग, मतलब भाई लोग आए हैं, तो यहाँ से जा रहे हैं अब। शायद पापा का हो गया होगा मीटिंग, तो फिर जाएंगे घर, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, 11:30 बज गया है। तो देखे कि इतना अच्छा सुंदर मस्त जगह है, और दादू से पूछते हैं कि मजा आया कि नहीं आया दादू को नहाने में। आया यार दादू? दादू एकदम नहा ठन बन के रेडी हो गया है, तो बताया यार दादू। अच्छा नहीं रोया दादू? हाँ क्या हुआ दादू बताओ, मजा आया कि नहीं आया? तो दादू बता रहा था कि मछली है और वो सांप है, मगरमच्छ है, तो देख के नहाया ना दादू? मगरमच्छ है कि नहीं दादू? नहीं है। तो सब लोग अभी जा रहे हैं गाड़ी में फिर से, और सर का लुक चेंज हो गया है एकदम, पगड़ी बांध चुके हैं एकदम देसी स्टाइल में है सर अभी, देसी स्टाइल में। अच्छा सर ये भी क्या है? हाँ, स्कूल में रुकेंगे जेंट्स लोग को क्या है कि छोटू रुक जाएगा सर के लिए, तो ढारा सिंचाई।